दोस्तों, वेलकम टू फूड ट्रैली, फूड फूड ट्रैवल ट्रैवल लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित आपको स्वागत करता हूँ फ्रॉम नम्मा बेंगलुरु से। रश्मिता आज रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, दोनों पूरा ऑल सेट है ऑल सेट अभी। हैं। और आउटफिट्स आपको पता चल ही गया होगा, आज एक वीकेंड है, आज सैटरडे है। हम जाने वाले हैं एक नई कैंपिंग लोकेशन में, और वो कैंप लोकेशन हमारे अभी वाले घर से 110 किलोमीटर है। आई नो थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट दैट्स फाइन। लोकेशन बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर एक लेक भी है, और दोनों ऑप्शन है, टेंट पिच करने का और कार कैंपिंग का। उनका तो खुद का भी स्टे का भी खुद है का ना। भी स्टे का है, तो हम क्या करने वाले हैं वो वहाँ जाके ही हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो लोकेशन हम देखेंगे और जो सूटेबल होगा, एडवेंचरस होगा, वही हम करेंगे। और आज पूरा तड़कती भड़कती वाली धूप है, अभी हाँ पूरे छाव तो पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्यों स्टार्ट हो गया धूप, बट क्या मतलब करें। वही ऑन ऑफ है, हाँ तो आज कुछ गारंटी नहीं है, वहाँ पर बादल होंगे कि नहीं होंगे वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, बने रहिए। Let's start the journey. Zoom! ये दोस्तों, एज यूजल नाइस रोड हम क्रॉस कर चुके हैं, टोल गेट, और बादल है, धूप भी है। आज थोड़ा ड्राई ड्राई रहने वाला मुझे वैसा ही लग रहा है। और अभी हमारे कैंपिंग लोकेशन के लिए 92 किलोमीटर बाकी है। मौसम सुहाना है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि बादल नहीं है, तो बारिश शायद ना हो। और क्या बताऊँ, वहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि उस कैंपिंग लोकेशन में हम टेंट भी पिच कर सकते हैं, या फिर हम अपने गाड़ी के अंदर भी अपना कैंपिंग सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पर एक लेक भी है जैसे मैंने कहा था, और वहाँ पर दो तीन वाटरफॉल है। अगर टाइम होता है हमको वहाँ पर घूमने के बाद, तो वो वाटरफॉल हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो बस ऐसा ही है, यही है अपडेट अभी तक का। अभी थोड़ी देर में हम नाइस रोड छोड़ देंगे, वहाँ पर हमें लेफ्ट लेना है। कहाँ पर लेफ्ट लेना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो जैसा मैंने कहा था पहले कि जैसे हम नाइस रोड पे जाएंगे, वहाँ से हमको एक लेफ्ट टर्न लेना है, तो हम वही वैसे ही रेगुलर कनकपुरा रोड की तरफ लेफ्ट टर्न ले चुके हैं, और ये लेफ्ट टर्न अगेन टू द सेम लोकेशन जाएगा जैसे हम लास्ट टाइम गए थे कैंपिंग लोकेशन में, वही लोकेशन होके हम आगे जाएंगे। थोड़ा डेविएशन होगा, और यहाँ से हमें और 83 किलोमीटर जाना है हमारे कैंप साइट तक। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आज बादल कम है, धूप ज़्यादा है, तो धूप होने वाली है एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी इसको भी एन्जॉय करेंगे। ये भी एक कैंपिंग का एक पार्ट होता है, एडवेंचरस कैंपिंग का। तो चलिए अभी कैंप साइट पहुँचने के बाद आपसे बात करते हैं, चलिए। तो दोस्तों अभी क्या है कि अभी सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी है, हम मेन रोड से लेफ्ट ले चुके हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये है कि गूगल मैप को ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए कैंप साइट का जो बोर्ड्स यहाँ पर लगाए हुआ है उसको देखते हुए जाना है। तो वो ये इंस्ट्रक्शन हमारे होस्ट का था, तो अभी यही बोर्ड हम देखते देखते आगे बढ़ेंगे। ये 2 किलोमीटर, आखिरी 2 किलोमीटर, तो ये ऐसा ही कच्चा रास्ता है, थोड़ा ऑफ रोडिंग शायद हो सकता है। अभी इसी को फॉलो करते करते हम जाएंगे, और होपफुली अभी जैसा मैंने देखा कि दोनों तरफ तो अच्छा एक फार्म लैंड ही लग रहा है, और धूप है, लेकिन एक एक्सपीरियंस नया वाला होने वाला ये। तो अभी चलिए देखते हैं जब पहुंचेंगे वहाँ पर उनका कैंप सेट कैसा है।
और देखिए दोस्तों, यहाँ पर से व्यू कैसा दिख रहा है, पूरा भरपूर पहाड़ और ग्रीन वाला पहाड़, और ये बीच में रास्ता मस्त दिख रखा है। थोड़ा सा अगर धूप कम हो जाए ना, एकदम सोने पे सुहागा। मैं होप कर रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा ड्रिजल हो जाए शाम को, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि जब हम बुक करते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ वहाँ उनका कैंप साइट और दो तीन फोटोज ही मिलते हैं, लेकिन ये जो सराउंडिंग का व्यू है ना, ये आने के बाद ही पता चलता है। और अभी क्योंकि 2 हफ्ते पहले झमाझम बारिश हुई थी, तो भरपूर ग्रीनरी है दोनों तरफ, बहुत अच्छा है व्यू। ये रहा दोस्तों, आ गया हमारा कैंप साइट और विथ अमेजिंग व्यू। अभी हम एंटर करने वाले हैं और ये देखिए मस्त लग रहा है। बस अभी जाएंगे, चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे, फिर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को घूमेंगे, देखेंगे कहाँ पर टेंट पिच कर सकते हैं कि गाड़ी में कैंपिंग करेंगे, वो डिसाइड करेंगे जाने के बाद। एक्साइटमेंट बढ़ गया, 3 घंटे का ड्राइव का जो था वो चला गया, अब सिर्फ मज़ा ही मज़ा करेंगे यहाँ पे। दोस्तों चेक इन फॉर्मेलिटीज हो चुका है, हमारे जो होस्ट हैं ग्लेन भैया बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें पूरा समझा दिया, हमें एक जगह भी दे दिया जहाँ पर हम अपना कार कैंपिंग करेंगे, आज टेंट पिच नहीं करेंगे, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। और एक सो फार फर्स्ट इम्प्रेशन जो गेस्ट के हैं, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी जाना है आप जाओ, आप अपना कंफर्ट के हिसाब से सब कुछ कर सकते हो, ऑब्वियसली नो न्यूसेंस। और वो बोले यहाँ के आसपास, हाँ यहाँ पर मतलब कुछ शॉप्स आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी आपको चाहिए तो आप अपने साथ लेके आ सकते हो, नहीं तो इनका खाना भी आप ऑप्ट कर सकते हो। खाना पीना तो इनका है, अगर आपको ऐसे चुटर पुटर कुछ चाहिए आपके हिसाब से कुछ, तो आप ले आ जाओ, आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे एक वाटर सोर्स है, ये एक लेक नहीं है, एक वाटर सोर्स, शायद ये बैक वाटर है किसी नदी का या किसी का, यहाँ पर उसके अंदर मछलियाँ भी हैं। और यहाँ पर कार कैंपिंग करने का रीज़न ये है, क्योंकि यहाँ पर जो एक जगह मिला है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम खाना पीना करेंगे, आज खाना भी बनाएंगे, यहाँ पर बैठेंगे भी, पीछे एक सीटिंग एरिया भी है और कैंप फायर भी है। तो ग्लेन ने कहा कि यहाँ पर कैंप फायर वो अरेंज करवा देंगे इवनिंग को, बहुत मज़ा आएगा, लाइट्स भी हैं, बाथरूम फैसिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, पानी में बहुत सारे मछलियाँ हैं, हाँ ये पानी में बहुत सारे मछलियाँ हैं, तुम्हारे आते ही सारे मछलियाँ चले गए। अरे हाँ वो डर के चले गए, बट ये देखिए ये पूरा, हाँ हाँ ये भी देखिए मछली है, शायद आपको दिख रहा होगा, ज़ूम कर लो, ज़ूम किया है मैंने, पेडिक्योर कर सकते हैं, हाँ पेडिक्योर कर सकते हैं, फिश स्पा। और आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी हमारी वहाँ पर है और हम इस रास्ते से आए हैं, एक्चुअली वहाँ पे उनका रिसेप्शन है, किचन है, वहाँ से हम यहाँ आए हैं, यहाँ गाड़ी है और बस हम यहीं पर आज का सेटअप करेंगे। यहाँ पर सिटिंग एरिया है और यहाँ पर कैंप फायर है, चारों तरफ लाइट्स भी हैं, इवनिंग को लगेगा ये लाइट्स तो बहुत ही मज़ा आएगा। और रश्मिता खेल रही है यहाँ पर, रिज वॉक कर रही है, ये क्या बैलेंस कर रही है, हाँ बैलेंस कर रही है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर बैठेंगे, थकान निकालेंगे या इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारा खाना पीना स्टार्ट होगा। और धूप का कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा सा शेड है, करेक्ट, उसमें बैठेंगे खाना वाना बनाएंगे, वो तो आप सब देखते रहोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए
बहुत टाइम यहाँ पे बैठे, सुमित मुझे बहुत पकाया, मैं उसको बहुत पकाई और बीच में मुझे परेशान भी कर रहा है क्योंकि मैं गाइस बोल रही थी, वो ब्लॉपर हो गया, वो गुइज हो गया, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो इग्नोर सुमित, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इग्नोर, बहुत अच्छा लग रहा है, इग्नोर, परेशान कर, आज सुमित बहुत परेशान कर रहा है, एक तो धूप परेशान कर रहे हैं और सुमित भी परेशान कर रहा है, तो दोनों को इग्नोर करते हैं, अभी तो बेटर है क्योंकि छाव का तो एक जगह मिल ही गया है वैसे भी, तो अभी ऑलमोस्ट कितना टाइम बैठे, डेढ़ घंटा बज चुके हैं, सोचो मैं डेढ़ घंटा सुमित का बक बक सुनी तो सोचिए कितना मतलब एफर्ट लगता है, खाना बनाना तो डिफरेंट एफर्ट है, सब कोई बोलते हैं सुमित बहुत अच्छा खाना बनाता है पर सुमित का बक बक भी मुझे सुनना पड़ता है तो उसमें भी बहुत एफर्ट लगते हैं गाइस। तो एनीवे अभी सुमित क्या बनाओगे लंच में, सुमित आज बनेगा पुलाव, कौन सा पुलाव, पनीर, सुमित और एक इंग्रेडिएंट भूल गया, मटर पनीर पुलाव, मुझे पता है क्या बनेगा, मैं सिर्फ आपके लिए पूछ रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइस, तो मटर पुलाव और मटर पनीर, मटर नहीं, हाँ मटर पुलाव पनीर, मटर पुलाव पनीर कैसे होता है आगे पीछे थोड़ा तो जोड़ लो, बड़ा वाला आइटम था वो पहले बोल दिया ना, पनीर पुलाव तो वो बेटर था, ठीक है तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, मटर पनीर पुलाव, मटर पनीर पुलाव और रायता, तो एज यूजुअल किचन डिपार्टमेंट सुमित का, चॉपिंग डिपार्टमेंट मेरा, वीकेंड है तो मैं किचन नहीं जाती हूँ, इरेस्पेक्टिव वी आर एट होम और आउटसाइड, लेकिन कुछ कुछ दिन एक्सेप्शन हो जाता है, हाँ वो कुछ कुछ दिन होता है, तो चलते हैं अभी खाना बनाते हैं। चले हम अपना बर्तन चूल्हा और टेबल लेके अपने कुकिंग स्पॉट पे, आज थोड़ा चेंज होगा, गाड़ी के पास नहीं, यहाँ पर एक छाव मिली है तो यहाँ पर आज सेटअप करेंगे। ये रहा बर्तन, तो बेसिकली हमारा तीन बैग ही रहता है, बर्तन का, चूल्हे का और टेबल, ये तीन बैग में हमारा, बाकी सब तो गाड़ी के अंदर ही रहता है। ये रहा टेबल, अभी इसका स्टैंड निकालेंगे, आज एक्चुअली बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल छाव मिली है ना, गाड़ी के पास तो कुकिंग करते करते बहुत टाइम हो गया, आज यहाँ पर पेड़ के नीचे आज खाना बनाएंगे। और ये वाला ब्यूटन गैस लास्ट वाला आपको पता होगा, लास्ट वीक जब उपमा बना रहे थे वो ख़त्म हो गया, तो ये नया वाला ऑर्डर किया हमने, इसको अभी इसमें फिट कर देंगे, अरे ये टाइट हो गया, हाँ निकल गया, ये गया इसके अंदर लॉक, अभी इसको, ओह सॉरी, इसको जब तक हम पलटाएंगे नहीं तब ये लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि वो इसका जो हैंड्स का वो जो ब्यूटन गैस नहीं मिला, ये दूसरे कंपनी का था, तो शायद ये लॉक इसलिए नहीं हो रहा है, तो हमने एक जुगाड़ लगाया यहाँ पर, ये रस्सी धागा बांध के अभी ये ऑन हो रहा है, और क्योंकि हवा ज़्यादा नहीं है तो हमने वो प्रोटेक्टर भी नहीं लगाया, तो जैसे मैंने कहा था कि आज मटर पनीर पुलाव बनने वाला है, तो ये है पनीर और मटर हमने यहाँ घर से लेके आया हुआ है फ्रोज़न मटर, तो चलिए फटाफट इस सब्जी को काटते हैं और पुलाव बनाते हैं। ये रहा प्याज, प्याज को तो नॉर्मल ऐसे ही चॉप करना है जैसे नॉर्मली घर में होता है। ये तो लीजिए टमाटर, अभी प्याज कट चुका है, टमाटर को भी, अरे यार टमाटर तो खराब है, ओके ठीक है रहने दो, काट डाल दे, अरे नहीं, नहीं पूरा खराब नहीं है, ओके साइड कर, साइड का है, इसको मैं निकाल दूंगा, और थोड़ा पोजीशन में चेंज के बारे में भी बोल दो, हाँ हाँ एक्चुअली वहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे वो कीड़े थे तो वो पूरा यहाँ पर घूम रहे थे, अनइजी फील होता, तो यहाँ शिफ्ट कर दे, यहाँ पर इनको जो शेड है ना इसके अंदर हम आ गए, यहाँ पर भी ठीक है, खाना बनाने के बाद हम वहाँ पर वापस पानी के पास ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका खुद का डस्टबिन है, तो हम इसलिए अपना डस्टबिन नहीं निकालें, जो भी छिलका विलका निकल रहा है हम डस्टबिन के अंदर
इसको डाल देंगे। तो अभी चलिए फटाफट पुलाव बनाते हैं। और इन्होंने पानी दिया हुआ है तो ये इजी हो गया। आज हमने अपना वाला पानी नहीं निकाला, तो जो भी है पीने का धोने का सब इसी को हम यूज़ करेंगे आज। तो ये गया प्रेशर कुकर, अब इसको ऑन करते हैं। यस, ये ऑन हो गया। जब ये गर्म हो जाएगा तेल डालेंगे, सारा प्याज और टमाटर डालेंगे, मसाला डालेंगे और पुलाव बनाएंगे। हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये कपड़ा लेके आए क्योंकि ये हाथ पोछने के लिए इजी हो जाता है। गरम मसाला हम लेके आए थे, इसको पूरा पुलाव के हिसाब से जितना चाहिए था हम लेके आ गए हैं। इसको पूरा इधर से डाल देंगे। और ये गया प्याज। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, घर में तो बहुत खाना बनाते हैं लेकिन ओपन एयर में पानी के साइड में ऐसे जंगल के अंदर खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम घर से ले बना के लेके आए थे, ये गया इसके अंदर। ऐसे छोटे छोटे डब्बे जब होते हैं ना तो इजी हो जाता है थोड़ा सा कुछ भी लेके आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ये गया टमाटर। और ये है अक्षयकल्पा का पनीर, हम रेगुलरली इसी को खाते हैं। तो इसको निकाल देंगे यहाँ पे, इसको अगेन हमारा डस्टबिन, और इसको मनचाहा पीसेस जैसे करना है। पनीर कट चुका है और हमारा मसाला बन चुका है। तो अभी चलिए थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, इसमें एक चम्मच, आई थिंक एक चम्मच, थोड़ा सा नमक, और ये रहा थोड़ा सा बिरयानी मसाला। ये हो गया मसाला, अब इसको थोड़ा फिर से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, नहीं तो क्या कि जल जाएगा। और हमारा पनीर ये गया। क्यों एक पनीर नीचे गिराना जरूरी है? 7 सेकंड रूल नहीं, धोके डालो 7 सेकंड रूल। अच्छा ठीक है, धोके डाल दिया, हो गया। अब इसको मिक्स 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 कर देंगे। अरे ये तो मटर पनीर बन गया, मसाला वाला मटर पनीर। तुमने किसने कहा ये 7 सेकंड रूल? हमेशा कुछ भी गिरा देते हो 7 सेकंड रूल। नहीं, कहीं पर पढ़ा था 7 सेकंड रूल। कौन से बुक में था ये? ये तो मस्त दिख रहा है, मटर पनीर अच्छा दिख रहा है। ये पहले से मेजर करके लेके आ गए थे, तब इसको इसमें डाल देंगे। ओ सॉरी सॉरी, हर चीज गिराना जरूरी है तुम्हारा, हर चीज गिराते रहते हो सुमित। और इसको अभी मिक्स मिक्स करेंगे, थोड़ा आंच को स्लो। ये गया एक, दो, और ये तीसरा एंड आखिरी कप ये गया। एंड दिस लुक्स यम। तुम नमक डाले हो? हाँ, तब तो डाला था ना नमक। और एज यूजुअल हम क्या लाना भूल गए सुमित? क्या लाना भूल गए? कोरिएंडर लीव। ओ इतना घर थोड़ी है, सब कुछ मिलेगा। मतलब मुझे याद था, लास्ट मोमेंट में मैं भूल गई। इट्स ओके, अभी भूल गए तो भूल गए, कुछ कर नहीं सकते। तो हो गया, अभी इसको लॉक करते हैं एंड देन सी। 15 मिनट ना, दो विसल। हाँ दो विसल, अच्छा ठीक है ठीक है। 15 मिनट खिचड़ी बनाएगा सुमित, 15 मिनट। चलिए इसको लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों पुलाव बन चुका है, मटर पनीर पुलाव बन चुका है। अभी हम बनाएंगे रायता। तो क्योंकि रायता के लिए हमने कुछ अलग से लेके नहीं आया था, तो हम ये जो एक था हमारे पास प्लास्टिक का डब्बा, आइसक्रीम का डब्बा, इसमें बना देंगे रायता। तो पहले थोड़ा प्याज और मिर्ची काट लेते हैं। इसका जो ये जो गांठ है इसको निकाल देंगे, और इसको एकदम जितना फाइनली चॉप हो सकता है उतना मैं चॉप कर लूँगा, क्योंकि रायता बनने वाला है तो थोड़ा छोटा छोटा पीसेस रहेगा। और रश्मिता ये बिना धार वाला चाकू क्यों लेके आती है पता नहीं, क्योंकि इसमें धार नहीं है, हाथ फिसलता है बहुत। मुझे ये ठीक लगता है। नहीं ठीक लगता नहीं ना, हाथ फिसलता है। ओके
धार वाला चाकू है वो लेके आना चाहिए ना। मुझे डर लगता है, वो तुम्हारा चाकू है, ये मेरा चाकू है, तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारा वाला लेके आ जाऊंगी। देखो एक घर में दो लोगों के लिए अलग अलग चाकू भी होता है। हाँ, आपके घर में भी होता जरूर है? है, आपके घर में होता है तो सबके बताना, घर में होता है, बताना जरूर। सबका एक कंफर्टेबल चाकू रहता है ना, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो वही उसी को यूज करता है चॉपिंग के लिए। ये चाकू में मैं कंफर्टेबल हूँ, दूसरे वाले में सुमित कंफर्टेबल है, तो कुछ नहीं कर सकते। और ये है दही, अभी रायता तो रायता ही है सिंपल सा, इसको दही को निकाल देंगे अभी और इसमें खाली कर देंगे। ये धोया हुआ है? हाँ अच्छा निकल जा। हाँ ये भी अक्षयकल्पा का दही है। और हम अक्षयकल्पा का ब्रांड एम्बेसडर हैं। नहीं, छोटा सा डब्बा लेके आए थे। और ये प्याज और मिर्ची इसके अंदर डाल देंगे। ये गया प्याज और मिर्ची इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हल्का ही रखता हूँ, हाँ, कम ही ज़्यादा नहीं डाल दूँगा। हाँ बस, और ये बन गया रायता। अक्षय कल्पा के बारे में मजाक कर रही थी, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हम यूज करते हैं, हमें अच्छा लगा तो इसीलिए बोल दिए। तो बस चलिए 5 मिनट में पुलाव को ओपन करेंगे, प्लेट सजाएंगे और अपना लंच स्टार्ट करेंगे। टाइम फॉर सरप्राइज, पुलाव कैसा बना है ये देखने की बारी है। गैस अभी भी है तो अभी इसको खोलते हैं। टंटना, क्या लगता है, मस्त बना है। पानी जाएगा? नहीं, पूरा परफेक्ट है। परफेक्ट है। हाँ ओके तो चलो, मुझे थोड़ा प्यास लगी तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब इसको फटाफट सर्व करते हैं। वाह, ये रहा पुलाव। वाओ, ये रहा गर्मा गर्म पुलाव। गर्मा गर्म पुलाव, रायता। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। अभी फिर से अगेन रश्मिता बताएगी ये टेस्ट में कैसा है। तो स्पून निकाल देते हैं क्योंकि स्पून दो ही है हमारे पास। तो ये रहा दोस्तों आज मटर पनीर पुलाव और दही रायता। चलिए टेस्ट करते हैं। एज ऑलवेज मैं आ गई अपना काम करने के लिए, वो है खाना खाने के लिए, और चलिए टेस्ट करते हैं। कैसा है? मस्त बना है। अच्छा है, नमक मिर्ची परफेक्ट परफेक्ट सब अच्छा है। तुम ट्राई करो। नहीं, मैं अपना प्लेट खाऊंगा, मेरे प्लेट में बहुत है, मेरे प्लेट में बहुत सारा है, तुम अपना खाओ। कैसे हो तुम ना? अरे अपना टेस्टिंग का बारे में। नहीं, तुम खाओ खाओ खाओ। मस्त है, सिर्फ एक ही चीज का कमी है, इसमें ना जीरा पाउडर डालने से ना मस्त, या ब्लैक रायता, सॉल्ट रायते में। रायता में अच्छा, वो एक कमी लग रहा है, बाकी सब परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अब मेरे मेरा टेस्ट करने का बारी आ चुका है। और थोड़ा सा पनीर का निवाला और मटर चावल और थोड़ा सा रायता, ये रहा मेरा स्पून। जीरा राइस में भी बहुत अच्छा पुलाव बनता है, बहुत अच्छा पनीर एकदम सॉफ्ट है। चलिए लंच को एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों लंच हो चुका है और यहाँ पर हम बहुत सारा टाइम बैठे थे इस पानी को देखते हुए। यहाँ पर छोटे मोटे वो कीड़े भी हमारे ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट जब हमने लगाया तो अच्छा लग रहा है अभी। तो आप भी जब भी अगर कैंपिंग जा रहे हो तो वो लेके ज़रूर जाना। हर जगह, हर कैंपिंग साइट में वो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई कोई जगह में ज़रूरत पड़, जैसे इस जगह में मुझे लगता है, जैसे क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वाटर सोर्स है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कीड़े ज़्यादा हैं, बट अदरवाइज़ अच्छा है। और
यहाँ पर अभी हमने चेयर लगा लिया है, इसको पानी को अभी देखते होंगे उसमें छोटे छोटे मछलियाँ भी हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अभी रश्मिता के पास चलते हैं। मैं जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ पे फेस पे धूप ना आए, बट हर जगह पे थोड़ी थोड़ी हो रहा है, बट इट्स ओके। धूप तो होगी ऐसा नहीं, तो ऐसे मतलब फेस पे पिंच हो रहा है ना इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पे अभी ठीक है, सेट हो गए हैं, बैठेंगे थोड़ा टाइम। हाँ। बहुत टाइम के बाद इतने सारे कीड़े मकोड़े काटे, फाइनली दिमाग सुमित का बत्ती जला कि नहीं, मॉस्किटो रिपेलेंट लाए हैं तो लगाते हैं, तो लगाए। अभी थोड़ा सुकून से बैठ रहे हैं। हाँ, देखो, देखते देखते बहुत मजा आ रहा है। हाँ, यहाँ पे बैठो और ऐसे पानी को देखो तो थोड़ा एक कामनेस सा फील होता है। वो आपका हेक्टिक लाइफ का ज्ञान नहीं है, हेक्टिक लाइफ होता है, तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सुकून से बैठो, कुछ सोचो मत, तो अच्छा लगता है। तो वही अभी हम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हो चुका है 5:05। हाँ, तो और एक आधा पौना घंटा बैठेंगे। हाँ, देन विल फिर तो see. ये अपना कैंप फायर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इसके सामने ही है ये वाला कैंप फायर स्टार्ट होगा, फिर उधर उनका प्रॉपर्टी भी घूमने जाएंगे ना। तो चले दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइम बैठते हैं, फिर उनका जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर जाएंगे, घूम के आएंगे। तो अभी रश्मिदा मछली पकड़ ली, उसको एक बड़ा वाला मछली मिला था। बड़ा मतलब इतना? हाँ, वही मतलब वहाँ तो है सब छोटे छोटे, लेकिन उसमें से उनमें से बड़ा वाला वो बड़ा था, वाला। हाँ, कलरफुल भी था। हाँ, सुंदर सा था, सुंदर से छोड़ दिए। हाँ, फिर सब वापस पानी में छोड़ देते हैं। तो अभी चलते हैं, धूप जा चुकी है, अभी वहाँ पर उनका जो प्रॉपर्टी का टूर एक बार कर लेंगे, फिर वापस आएंगे अपने कैंप फायर के पास।